हेलो हेलो, मैं अबीर बोल रही हूँ। अबीर बोलो, अबीर तुम इतना तेज क्यों बोल रही हो? कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया? जी। कैसे? अभी मत पूछिए, वो सब मैं आके बताऊंगी। ठीक है, तुम कब आ रही हो? अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है। तुम तो पागल हो ना? ट्रेन के चक्कर में मत पड़ो, फ्लाइट पकड़कर जल्दी आ जाओ यहाँ। नहीं, मैं फ्लाइट से नहीं आ सकती। क्यों? फ्लाइट से क्यों नहीं आ सकती? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं, पैसे की बात नहीं है। फिर क्या बात है? फ्लाइट में चेकिंग बहुत होती है, अगर किसी को शक हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसा शक? क्या कर दिया तुमने? मैंने आपसे कहा ना, मैं आके बताती हूँ आपको। ऐसी क्या बात हो गई जो ये आकर बताएगी? हेलो। हाँ डॉक्टर मुमताज, मैं अबीर बोल रही हूँ। हाँ अबीर, बोलो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। एक अच्छी बात और है। क्या? मुझे बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया? लेकिन कैसे? वो मैं आपको आके बताऊंगी। इतना समझ लीजिए कि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं बच्चे को लेकर आ रही हूँ, आप फौरन उसके इलाज की तैयारी शुरू करें। मैंने इसीलिए फोन किया है। हाँ हाँ, पहले तुम आओ तो सही। देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सारी तैयारियां करके रखिए। मैं बच्चे को लेकर आ रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुन्ना, ये मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, 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 मैंने अभी इधर छोड़ा था, किधर गया? तो मेरा जैकपॉट है, जैकपॉट। कहाँ चला गया मुन्ना? मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास ले चलूंगी, फिर वो मुझे इनाम देंगे। मुन्ना, लेकिन तू इस जालिम के हाथ कैसे लग गया? मुन्ना, ये शैतान के बच्चे यहाँ कैसे आ गए? चुप 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 चुप। ये क्या बेहुदा हरकत है? ला ला बच्चे मुझे दे। अरे वाह, बड़ी बच्चे वाली बन रही है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि ये तेरा बच्चा नहीं है। क्या बक रही हो तुम? लाओ मेरा बच्चा मुझे दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। बच्चा चोर कहीं की? अरे वाह, चोरी भी और सीना चोरी भी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। अभी तो अपना तमाशा दिखाना बंद कर, इसी में तेरी भलाई है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर मैंने टीवी में इस बच्चे की फोटो भी देखी और इसके बारे में सुना भी, तभी सब समझ गई थी। ये सब झूठ है। अभी मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी ना, तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और पता चलेगा कि तेरा बच्चा है कि नहीं। देखो, तुम बहुत बड़ी मक्कार हो। सीधे से मेरा बच्चा मुझे दे दो, इसी में तुम्हारी शराफत है। तू मुझे धमकी दे रही है? चल चल पुलिस स्टेशन में और साबित कर कि तेरा बच्चा है। देखो, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मुझे परेशान मत करो। परेशान तो तू मुझे कर रही है। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। ये तो मेरा जैकपॉट है, ऐसे कैसे तुझे दे दूं? तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो? कितना पैसा चाहिए? कितना कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए बोलो?
ठीक क्या किया तुमने? ठीक किया, तुमने तो सारे पैसे ले लिए। मैं बम्बई कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूँ? सब पकड़ तेरे बच्चे से। किससे मिलना है आपको? आदम भाई से। जी वो तो बाहर चले गए। कब तक आ जाएंगे? ये तो मुझे पता नहीं, अगर कोई मैसेज देना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा जब भी वो आएंगे। जी शुक्रिया, लेकिन मुझे उन्हीं से मिलना था। जी बेहतर, आपकी जैसी मर्जी। गजाला, यू कब तक रोती रहोगी? प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। नहीं संभालना मुझे अपने आप को, नहीं संभालना। तो क्या इस तरह रो रो के अपनी जान दे दोगी? हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं आपकी तरह खामोश बैठने वाली नहीं हूँ। आपको तो कोई गम ही नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या कहा, मुझे कोई गम नहीं है? ठीक है, तुम तो अपना गम आंसू बहाकर जाहिर कर सकती हो और कर रही हो, लेकिन मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या बीत रही है। यहाँ मेरा दिल भी रो रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। गजला, क्या वो मेरा खून नहीं है? क्या मुझे उसके खो जाने का गम नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर गम होता तो आप इस तरह पुलिस स्टेशन में खामोश नहीं बैठे रहते। तो क्या मैं वहाँ जाहिलों की तरह चीखता चिल्लाता? नहीं, आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहिए घर में। तुम पागल हो गई, एकदम पागल। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं पागल भी हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या नहीं किया जो तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो? मैं पुलिस स्टेशन गया, वहां कंप्लेन लिखवाई, और क्या करूं मैं? कमाल है, एक बीवी होकर तुम अपने शौहर के दर्द को नहीं समझती। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं खुदकुशी करूंगी। मेरे बच्चे को लेकर आओ, मेरा बच्चा ले आओ। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुनिए भाई साहब। जी फरमाइए। आप आदम साहब को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अरे भाई, वो मेरे पड़ोसी हैं। वो दरअसल मैं काफ़ी देर से उनके दरवाजे पे खड़ा था, बेल भी बजाई और दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई जब अंदर कोई होगा ही नहीं तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? इसका मतलब है आदम साहब घर पर नहीं है? जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो मुझसे कहिए, मैं उन्हें बता दूंगा। लगता है आप उनके बहुत खास दोस्त हैं। जी हाँ, मैं उनके लिए उनके दोस्त से बढ़कर हूँ। यानी आप उनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, रिश्ते और दोस्ती से बड़ा रिश्ता होता है एक पड़ोसी का, और मैं उनका पड़ोसी हूँ। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छे ख्याल आते हैं आपके, वो भी आज के इस जमाने। अरे भाई, अभी कुछ देर पहले एक मोहतरमा आई हुई थी, वो भी आदम साहब के बारे में पूछ रही थी। मैंने उनसे कहा आदम साहब तो घर पर नहीं है। बेचारी बहुत मायूस होकर यहाँ से गई। हालांकि मैंने उनसे कहा कि अगर कोई मैसेज हो तो मुझसे कहिए, मैं उन्हें बता दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे बताना मुनासिब नहीं समझा। कैसी औरत थी वो? औरत की तरह, लेकिन बहुत मजलूम, परेशान, मायूस नजर आ रही थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो है कि उनके साथ कोई बच्चा भी था? जी हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ,
लेकिन उसने आपसे कुछ कहा? जी, वो कह रही थी मुझे आदम साहब से ही मिलकर बात करनी है। अब आप बताइए, अखलाकी तौर पर मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आदम साहब आपको बताकर गए कि वो कब तक आएंगे? जी नहीं, बस इत्तफाकन बाहर जा रहा था, उनसे मुलाकात हुई। कहने लगे कि कोई आए तो कहना मैं बाहर जा रहा हूँ। बस मुझसे ज़रा से भूल हो गई, मैं उनसे ही नहीं पूछ सका कब तक वापस आएंगे। वैसे कोई ख़ास बात हो कल परसों फ़ोन कीजिएगा। आदम साहब अगर घर पर होंगे तो आपसे बात भी हो जाएगी और मुलाकात का वक्त भी तय हो जाएगा। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे बहुत अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया जनाब। अरे सुनिए जरा। जी भाई, अपना नाम तो बताते जाइए ताकि आदम भाई आए तो उनसे ये तो बता सकें उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन कौन आया था। जी, मेरा नाम मुजीब खान है। हुजूर, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? आप उनको बता दीजिएगा कि मुजीब आए थे, वो समझ जाएंगे। चलिए, आपने तो अपना नाम बता दिया, लेकिन वो मोहतरमा कौन थी? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, जब मैं आदम साहब से मिलूंगा तो उनको उसके बारे में बता दूंगा। जी मेहरबानी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इनका नाम मुजीब है, लेकिन वो मोहतरमा कौन? इंस्पेक्टर साहब, टीवी में जिस बच्चे की फोटो बताई थी ना, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। क्या बात करती? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कहाँ? एक औरत के पास। चलिए जल्दी चलिए। चलेंगे इंस्पेक्टर साहब, चलेंगे। चलेंगे क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब के बच्चे के माँ बाप ने इनाम रखा है ना, वही जानने तो मैं यहाँ आई हूँ। बताइए कितना इनाम रखा है? अजीब औरत हो तुम। अजीब औरत हूँ तभी तो यहाँ आई हूँ और आपकी मदद कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। बताइए ना कितना इनाम रखा है उन लोगों ने। बड़ी लालची औरत हो तुम। तभी तो यहाँ पहुँची हूँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत मेहनत की है मैंने। अरे भाई ठीक है, तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं इंस्पेक्टर साहब कि पेपर में सिर्फ हमारी वाहवाही छाप दे? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, पेपर में फोटो भी छपेगी और तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। अब ये बताओ कि उस औरत का पता क्या है? पता क्या बताना इंस्पेक्टर साहब, वो तो आपको अभी मिल जाएगी। ओफो, कहाँ मिलेगी? अभी उसकी ट्रेन छूटने में 4 घंटे बाकी हैं। क्या वो कहीं जा रही है? जी हाँ, मुंबई जा रही है 8 बजे की ट्रेन से, इसलिए मैंने सोचा कि चलकर पुलिस स्टेशन में आपको खबर कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जरा आप ये बताइए कि उसको पहचानेंगे कैसे? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे बच्चे को लेकर जा रही है, घबराई हुई सी होगी, आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे। कैसे लगी ये कंगन? जी बहुत खूबसूरत है। कहने को तो ये सिर्फ कंगन है, लेकिन इससे मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं और ये बहुत खास है। ये मेरी अम्मी के खानदानी कंगन है।
अम्मी ने मुझे शादी के वक्त पहनाया था, आज मैं तुम्हें पहना रही हूं। इसे संभाल कर रखना, इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अम्मी का प्यार और दुआएं भी हैं। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूं। अम्मी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, पर आपके रहते हुए अभी से जिम्मेदारियों को समझोगी ना तो बाद में परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारे कंधों को मजबूत बनाना चाहती हूँ। अभीर, देखा जाए तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो और असली भी। वादा करो कि तुम मेरे यकीन को बरकरार रखोगी। मैं वादा करती हूँ अम्मी, बहू होने के सारे फर्ज को मैं अंजाम दूंगी, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। लेकिन मेरे अकेले के लिए ये सब कर पाना नामुमकिन है, आपको मेरा साथ देना होगा। ये भी कहने वाली बात है, मां हूं तुम्हारी, साथ कैसे नहीं दूंगी। लेकिन एक बात जरूरी है और जो हमारा मकसद भी है। अबीर, एक वादा और करो, इस घर से निगार को निकाल कर बाहर करोगी। आज हम जिस हाल में हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो है। अपने सारे गम, सारी तकलीफों का हिसाब हमें अब उससे लेना है। उसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आज मैं उसकी जिंदगी को दोजख बना देना चाहती हूं। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, इस मकसद को अंजाम मैं दूंगी। जिन्होंने आपके बच्चे को देखा है, क्या आपको यकीन है कि वो मेरा ही बच्चा था? देखिए, जैसा कि उन्होंने हुलिया बताया है, उसे साफ लगता है कि बच्चा आप लोगों का है। और एक खास बात और है, वो लड़की यहाँ से मुंबई जाने वाली है। मुंबई? जी, इन्होंने बताया है। लेकिन वो है कौन और ऐसा क्यों कर रही है? ये तो तब पता चलेगा जब वो गिरफ्तार हो। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुंबई चली जाए।